A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And in this lecture, I am going to start the most important topic. And the topic name is what? Statistics. As you already know about the meaning of the statistics, this topic is very, very important for your examination point of view as well as your syllabus point of view. If you are preparing yourself for NDA or you are preparing yourself for JE mains for IIT exam, then also this topic is very important. And the second main purpose why it is important, because it starts from the class 9th, then it will come in class 10th, 11th, and it will also come in your graduation. If you are doing BCom, then you will found in your first year, semester 1 and semester 2, stats 1 and stats 2, which is based on the concepts of statistics, but in detail. So the basic step is what you have to know about the basic knowledge about the statistics. So I am going to start each and basic concepts. So don't worry if you don't know about the ABCD of the statistics, because I am going to take basic ground level discussion. So सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा statistics. Statistics को हिंदी में कहते हैं आंकड़े. आंकड़े means क्या है? जब कोई आप data इकट्ठा करते हो तो उसका जो रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, उस रिकॉर्ड को हम क्या कह देते हैं? स्टैटिस्टिक्स कह देते हैं। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कहाँ से होता है? डाटा वर्ड से। तो सबसे पहले आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि डाटा क्या है। तो डाटा की मैंने एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन लिखी हुई है, प्लीज मेक अ नोट। द फैक्ट्स एंड द फिगर्स विच आर न्यूमेरिकल्स और द नंबर्स और अदरवाइज कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पस। मीन्स क्या है कि डाटा वो चीज है जो आप कलेक्टेड करते हो बाय स्पेसिफिक पर्पस, मतलब आपके माइंड में कुछ होता है, आप उसको ध्यान में रखते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स न्यूमरल्स इकट्ठा करते हो, कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ फिगर्स होते हैं, उन्हीं का जो कलेक्शन होता है उसको क्या कह देते हो? डाटा कह देते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपकी क्लास की ही बात करता हूँ, यदि मैं क्लास में हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स निकालना चाहता हूँ कि आपकी ओवरऑल क्लास की हाइट कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? एक डाटा बन जाएगा। क्या लिया मैंने? मैंने डाटा इकट्ठा करा ऑफ क्लास 9th का अकॉर्डिंग टू योर हाइट। तो मैंने एक डाटा किसका इकट्ठा करा? क्लास 9th का ऑफ द स्टूडेंट्स हाइट्स। तो ये क्या मेरा बन गया? एक फैक्ट्स बन गया, फिगर्स बन गए कि ये क्या इकट्ठे कर रहे हैं। मैंने हाइट्स को अपने माइंड में रखा और हर स्टूडेंट्स की हाइट को कैलकुलेट करा, तो ये क्लास 9th की हाइट्स का क्या बन गया? एक डाटा। आई होप आपको समझ आया होगा कि डाटा क्या है। यदि मैं इसको थोड़ा और एक्सपेंड करना चाहूँ तो डाटा क्या है? कोई भी आप टेक्स्ट लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल जो ये मैंने ये सब चीजें की हुई, ये कुछ और नहीं है कि क्या है? टेक्स्ट है। टेक्स्ट मैसेज कह सकते हो, जैसे ए बी सी डी लिख सकते हो, न्यूमरल वर्ड्स 1, 2, 3 यूज कर सकते हो, स्पेशल लेटर 1, 2, 3 डॉट हैश स्लैश जो यूज कर सकते हो, ये सब चीज क्या है? डाटा है। तो डाटा के मैं और कॉमन एग्जांपल्स की बात करता हूँ, तो मैं बात करता हूँ म्यूजिक की। आप सभी म्यूजिक सुनते हैं, तो म्यूजिक कुछ और नहीं है, ये भी एक डाटा ही है। आप वीडियो सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, तो वीडियो भी कुछ और नहीं है, वीडियो भी क्या है? आपके डाटा है। मैसेज पढ़ते हो, मैसेज भी क्या है? आपके डाटा है। तो आपकी पिक्चर है, इमेज है, ये सब चीज क्या है? आपकी डाटा। अब इन डाटा से रिलेटेड आप हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स किसकी बनती है? रिकॉर्ड किसका बनता है? डाटा का बनता है। इसलिए हमने डाटा का मीनिंग समझ लिया कि डाटा क्या होता है। अब स्टैटिस्टिक्स पर जाइए। लुक एट द बोर्ड। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मैसेज स्टडीड सॉरी The extraction of meaningful information studied in a branch of mathematics. So statistics है क्या चीज? एक branch है of mathematics की, जो study किसके बारे में करती है? Meaningful information. तो जो आपने data इकट्ठा करा है, मैं सबसे पहले data क्या होती है, information की definitions की बात करता हूँ, क्योंकि ये सब चीज लिखा हुआ, ये सब चीज क्या है? डाटा है। आप अपने नोटबुक ओपन करते हो, नोटबुक ओपन में जितना भी कुछ लिखा हुआ है वो सब क्या है? डाटा है। कोई भी बुक लीजिए, बुक पे कोई टेक्स्ट लिखा होगा, इमेज होगी, मैसेज होगा, वो सब चीज क्या है? डाटा है। लेकिन उसमें से आप हाईलाइट करके डेफिनेशन लिख लेते हैं किसी भी स्टेटमेंट की, तो वो क्या बन जाता है? आपका इंफॉर्मेशन। सो द एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन।
अब आपके पास डाटा आ गया, से हमने क्या बनाई, इंफॉर्मेशन बनाई। अब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन में से भी क्या हमें देखनी है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, और उसको स्टडी करना है, उसमें से और इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करनी है, तो वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को क्या कह देते हैं, स्टैटिस्टिक्स कह देते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। तो क्लासिफिकेशन मतलब कैटेगराइज, कि आप डाटा को कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हो, क्लासिफिकेशन कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा, हम दो टाइप से डाटा को क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट डाटा इज कॉल्ड द प्राइमरी डाटा एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड द सेकेंडरी डाटा। अब प्राइमरी डाटा क्या होता है और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, इसका लाइव एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं स्कूल का एग्जाम्पल लेता हूँ। कि स्कूल में जब आप देखते हो तो दो टाइप से स्कूल की डिविजन होती है, एक प्राइमरी सेक्शन होता है और एक सेकेंडरी सेक्शन होता है। प्राइमरी सेक्शन आपको पता है कि नर्सरी क्लास को, फिफ्थ क्लास को आप प्राइमरी सेक्शन कहते हैं, और उससे ऊपर जो सेक्शन आ जाता है वो सेकेंडरी सेक्शन आ जाता है। अब इसे आप नोट करने वाली बात है कि क्यों इसे प्राइमरी सेक्शन कहते हैं, क्यों इसे सेकेंडरी सेक्शन कहते हैं। प्राइमरी का मीनिंग होता है प्राइम, और प्राइम का मतलब होता है फर्स्ट प्रेफरेंस। तो जब कोई डाटा आप फर्स्ट कलेक्ट करते हो उसको कहते हैं प्राइमरी डाटा। अकॉर्डिंग टू इसके अकॉर्डिंग समझिए कि प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल में बच्चों से क्या सिखाया जाता है, बच्चों को ये सिखाया जाता है कि अल्फाबेट्स क्या होते हैं, फिर उन अल्फाबेट्स को ज्वाइन करके वर्ड सिखाया जाता है, फिर वर्ड्स को ज्वाइन करके उनसे स्टेटमेंट बनाई जाती है, और फिर स्टेटमेंट या सेंटेंस को बना के उनसे पैराग्राफ बनाया जाता है। ये सब चीज क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें बेसिक नॉलेज मिलने के लिए कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, सिमिलरली हिंदी लैंग्वेज क्या है, ऐसे ही मैथ साइंस, ये सब चीज थोड़ा थोड़ा बेसिक समझाया जाता है। तो ये क्या होता है प्राइम, यदि आप उससे आगे जाना चाहते हो तो प्राइम आपको मस्ट है। कि प्राइम यदि प्राइमरी सेक्शन में किया आपने, डायरेक्ट क्या कभी आप सिक्स क्लास में प्रमोट हो सकते हो, नहीं हो सकते। इसका मतलब प्राइम का मतलब क्या होता है, फर्स्ट प्रेफरेंस। तो जब स्टार्टिंग का जो डाटा इकट्ठा किया जाता है उस डाटा को क्या कहते हैं, प्राइमरी डाटा। और जब उस डाटा को यूज करते हुए कुछ और डाटा या इंफॉर्मेशन स्टडी करते हैं तो वो बन जाता है हमारा सेकेंडरी डाटा। फॉर एग्जाम्पल प्लीज रीड द स्टेटमेंट ऑफ प्राइमरी डाटा एंड द सेकेंडरी डाटा, फिर मैं आपको उसका और मीनिंग क्लियर कराऊंगा। पहले बात करते हैं प्राइमरी डाटा की। तो इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर herself or himself with a definite purpose। कि अब देखिए मैं सबसे सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ये एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपको एग्जाम्पल समझ आ जाता है तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि प्राइमरी डाटा क्या होता है और सेकेंडरी डाटा क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको एक टास्क देता हूँ, एक टास्क परफॉर्म करना है आपको, आपको अपने एरियाज में घूमना है, हर एक स्ट्रीट में जाना है, हर स्ट्रीट में आपको स्टूडेंट्स चेक करने हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, और उनसे ये पूछना है कि whether you are using mobile phone or not, ये आपका डाटा है। तो आप हर स्ट्रीट में जाइए, हर घर में जाइए, जहां भी आपको स्टूडेंट्स मिले उनका एक डाटा इकट्ठा करिए, उन पे टिक करिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जिन्हों जो मोबाइल फोन यूज करते हैं, और कितने स्टूडेंट्स हैं जो मोबाइल फोन यूज नहीं करते। ऐसे आप सभी स्टूडेंट्स, अभी ये वीडियो मेरी लाखों बच्चे देख रहे हैं, तो जब लाखों बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं मीन्स क्या है, लाखों अलग अलग बच्चे क्या करेंगे, डाटा को इकट्ठा करेंगे। अब जो डाटा को इकट्ठा करा, तो मैं आपके लेवल की बात करता हूँ, जो आपने डाटा इकट्ठा करा, तो आप क्या है, एक इन्वेस्टिगेटर है, खुद आप एक इन्वेस्टिगेटर है, और आपने घर में घर घर जाके क्या करा, उस डाटा को इकट्ठा करा। तो ये डाटा आपके लिए क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा, उसको हम कहेंगे प्राइमरी डाटा। तो हर एक स्टूडेंट्स ने जो डाटा इकट्ठा करा है वो उसका क्या है, प्राइमरी डाटा। बट यदि उस डाटा को मैं यूज करता हूँ, अब वो डाटा मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा, वो डाटा ऑलरेडी स्टोर्ड है, आपके पास डाटा ऑलरेडी स्टोर्ड है। अब मैं कहता हूँ आप अपना मुझे डाटा दीजिए, और मैं उन सब डाटा को इकट्ठा करूंगा और चेक करूंगा कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, और कितने स्टूडेंट्स मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स मोबाइल फोन नहीं यूज कर रहे हैं, मैं उन सबको कलेक्ट करूंगा, और फिर एनालिसिस करके बताऊंगा कि इस स्थिति में कि कितने स्टूडेंट्स जो है, कितने परसेंट स्टूडेंट्स मोबाइल फोन यूज करते हैं और कितने परसेंट स्टूडेंट्स मोबाइल फोन यूज नहीं करते। तो जो ये डाटा मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ये डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा, क्योंकि इसका इन्वेस्टिगेशन सोर्स मैं खुद नहीं हूँ। मैंने ये डाटा लिया है, किससे लिया है, आपसे लिया है, तो आपके पास ही डाटा स्टोर है। तो जब कोई इंफॉर्मेशन का सोर्स एक ऐसा डाटा होता है जो पहले से ही इन्वेस्टिगेटेड हो चुका है,
स्टोर है वो, चाहे वो बुक में स्टोर हो, किसी जर्नल में स्टोर हो, किसी न्यूज़पेपर में स्टोर हो, कहीं भी स्टोर क्यों ना हो, उस डाटा को चेक करके मैं कुछ नई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, तो वो क्या बन जाता है? सेकेंडरी डाटा। नाउ लुक एट द डेफिनेशन ऑफ द सेकेंडरी डाटा। कलेक्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए सोर्स विच ऑलरेडी हैड द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड, इसका मतलब इंफॉर्मेशन पहले से ही क्या है, स्टोर्ड है। तो जब इस टाइप की इंफॉर्मेशन आएगी तो वो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी डाटा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है। अब मैं एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करूंगा क्लास 9 से, चाहे आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हो या 10th क्लास के या 11th क्लास के, डोंट मिस द वीडियो, क्योंकि जब तक आप स्टार्टिंग से गो थ्रू नहीं होगे आपको 2 या 3 वीडियो देखनी पड़ेगी। लेकिन याद रखिए ये वीडियो से आपकी स्टैटिस्टिक्स इतनी फास्ट हो जाएगी, आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप स्टैटिस्टिक्स में कभी मार्क नहीं खा सकते। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज एटलीस्ट 1 टाइम प्लीज वॉच द वीडियो। सो एवरीवन स्टार्ट करिए वीडियो देखना और स्टार्टिंग से करिए, फिर अपने लेवल पे खुद आ जाइएगा और देखना आपको स्टैटिस्टिक्स कितनी इजी लग जाती है। सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा, प्लीज मेक अ नोट। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेने जा रहा हूँ प्राइमरी डाटा के, सेकेंडरी डाटा के, और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आपको खुद डिफाइन करना है कि ये जो सोर्स ऑफ डाटा है क्या ये प्राइमरी डाटा होगा, क्या ये सेकेंडरी डाटा होगा। यही आपकी एक्सरसाइज 14.1 है, यदि आप स्टूडेंट्स क्लास 9 के हैं तो ये एक्सरसाइज आपके लिए है 14.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गिव एन एग्जांपल, आपको कुछ एग्जांपल्स देने हैं, 5 एग्जांपल्स ऑफ द डेली डे टू डे जो लाइफ में आप डाटा को इकट्ठा करते हो उसके एग्जांपल्स देने। आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आपकी गली, आपकी स्ट्रीट्स की बात करते हैं, आपकी स्ट्रीट्स में हम बात करते हैं क्लास वाइज रिकॉर्ड कि कितने स्टूडेंट्स क्लास 1 में हैं, कितने स्टूडेंट्स क्लास 2 में, कितने स्टूडेंट्स क्लास 3 में, ये डाटा हो गया। जब मैं सेकंड एग्जांपल की बात करता हूँ स्पोर्ट्स प्लेयर कि आपकी स्टेट्स में कितने प्लेयर बास्केटबॉल खेलते हैं, कितने प्लेयर बैडमिंटन खेलते हैं, कितने प्लेयर्स आपके चेस खेलते हैं, कितने प्लेयर्स आपके क्रिकेट खेलते हैं, तो ये भी क्या हो गया, डाटा हो गया। ऐसे आपको डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स देने हैं 5 एग्जांपल्स। और सेकंड क्वेश्चन है आपको उन सब एग्जांपल्स में से आपको ये बताना है कि ये जो डाटा है क्या ये प्राइमरी डाटा है, क्या ये सेकेंडरी डाटा है। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। नाउ लुक एट द बोर्ड एक्सरसाइज 14.1 क्लास 9। अब देखिए आपको 5 एग्जांपल देने थे डे टू डे लाइफ के, मैंने 5 एग्जांपल्स लिए। लुक एट द बोर्ड फर्स्ट। नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन वेरियस स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। आपको पता है जब पॉपुलेशन काउंटिंग होती है तो ये भी काउंट होता है कि नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स सेक्स रेशो क्या होता है। तो यहाँ पे हम बात करें नंबर ऑफ फीमेल्स की पर 1000 मेल कि पर 1000 मेल्स पे हाउ मेनी नंबर ऑफ फीमेल्स। तो वो आपने एक डाटा इकट्ठा किया इन आवर कंट्री में, ठीक है। ये मेरा पहला क्वेश्चन था, लेकिन अब मैं सेकंड क्वेश्चन भी लिखने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये भी बताना है सेकंड क्वेश्चन में जो मैंने एग्जांपल लिए हैं इन एग्जांपल में से कौन सा डाटा जो है ये हमारा प्राइमरी डाटा है और कौन सा डाटा सेकेंडरी डाटा है। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 1 रीड करिए। अब मैंने सेकंड एग्जांपल लिया तो फिर स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन कहता है वेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास। मैंने अपनी क्लास ली और हर स्टूडेंट्स का वेट कैलकुलेट किया, तो ये भी क्या बन गया, मेरा एक डाटा बन गया। थर्ड एग्जांपल है प्रोडक्शन ऑफ वीट इन द लास्ट 10 ईयर ऑफ आवर कंट्री कि हमारे कंट्री में पिछले 10 सालों में कितना वीट प्रोड्यूस हुआ, तो उसका भी एक डाटा बन गया। लुक एट द फोर्थ एग्जांपल नंबर ऑफ प्लांट्स इन आवर लोकेलिटी कि हमारे आसपास के एरिया में कितने प्लांट्स है, नंबर ऑफ प्लांट्स। तो मैंने इकट्ठे करे कि यहाँ इस एरिया में इतने प्लांट्स है, इस एरिया में इतने प्लांट्स है, तो ये भी एक क्या है, डाटा ही है। Look at the fifth example, rainfall in our city in the last 10 years. तो जो हमारे में rainfall हुई है वो last 10 years में कितनी हुई है, तो मैंने according to year कुछ data इकट्ठा करा है rainfall का, कितने mm इस year में हुई, कितने mm इस year में हुई, तो ये भी क्या बन गया, एक data बन गया। तो ये था हमारा question number 1। अब question number 2 कहता है कि जो आपने example लिए हैं इन एग्जांपल में से ये बताइए कि कौन सा डाटा प्राइमरी डाटा है और कौन सा डाटा सेकेंडरी डाटा है। वेरी इजी है, आपको डेफिनेशंस पहले से पता है कि प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है। लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल कि जो आपने नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स देखे है
अब ये डाटा जो है ये आप खुद तो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। जैसे इंडियन गवर्नमेंट की बात करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट ये लॉन्च करती है कि इतने मेल्स पे इतनी फीमेल्स है, लेकिन वो डाटा इंडियन गवर्नमेंट ने खुद इन्वेस्टिगेट नहीं करा। उसने क्या किया, वो ऑर्डर पास करे अपने नीचे वाले पीपल्स को, नीचे वाले पीपल्स ने फिर फर्दर डिविजन करे, फिर लास्ट में आ जाते क्या आ जाते हैं, नॉर्मल वर्कर या टीचर्स आ जाते हैं जो आपकी सेंसेक्स ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, जो घर घर जाके आपका डाटा इकट्ठा करते हैं। लेकिन डाटा किसने इकट्ठा करा, जो टीचर्स है जो आपके घरों में विजिट करने के लिए आए, जिन्होंने ये चेक करा कि मेल कितना है, उनकी एज कितनी है, उनकी फीमेल कितनी है, लेकिन गवर्नमेंट ने डाटा इकट्ठा नहीं करा। तो ये जो डाटा गवर्नमेंट लॉन्च करेगी, एनालिसिस करेगी, उसके लिए ये डाटा क्या है, स्कैंडी डाटा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद इन्वेस्टिगेट नहीं करा। तो आंसर क्या आ गया आपका, ये जो आंसर है ये आपका किसका आंसर आ गया, सेकेंडरी डाटा। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल का आइए, वेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास। तो मैं चाहता हूँ मैं अपने वेट्स ऑफ द क्लास, क्लास का जो वेट कैलकुलेट करना, ये तो मैं खुद ही कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैं हर एक स्टूडेंट्स को खड़ा करके ये पूछूंगा वेट मशीन पे आके, खड़े होकर से आपका वेट कितना है, और लिख लूंगा क्लास 11 स्टूडेंट नंबर 1 और नेम, और इसका लिख लूंगा वेट कितना है। इसका मतलब ये डाटा मैं खुद इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। तो ये डाटा क्या बन गया, प्राइमरी डाटा। थर्ड पार्ट रीड करिए, कहते हैं द प्रोडक्शन ऑफ वीट इन द लास्ट 10 ईयर फॉर कंट्री। अब कंट्री की बात करते हैं, अब नेचुरल बात है आप तो अपने एरिया में ही ग्रोम करते हो ना, यदि कोई आप इन्वेस्टिगेशन करते हो कि आपके एरिया में कितनी वीट हुई तो आप वो रिपोर्ट आगे दोगे। अब नेचुरल बात है कि आपने क्या करा, वीट का रिपोर्ट आगे डिवाइड सेंड किया। ऐसे ही हर पीपल क्या करेगा, अपने अपने एरिया में प्रोडक्शन ऑफ वीट को दिखाएगा, और फिर वो सारे वीट का डाटा आगे जो गवर्नमेंट है वो कलेक्ट करेगी, और फिर बताएगी कि कितना वीट इस ईयर हुआ, कितना वीट नेक्स्ट ईयर प्रोड्यूस हुआ। तो ये डाटा भी गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली नहीं आ रहा, वो भी क्या कर रहा है, पहले प्राइमरी डाटा के लिए किसी और पीपल को अपॉइंट करते हैं, डाटा को इकट्ठा करते हैं, फिर उस डाटा के बेस पे फिर एक एनालिसिस करके न्यू डाटा प्रेजेंट करते हैं कि 2001 में कितनी प्रोडक्शन ऑफ वीट हुई, 2002 में कितनी प्रोडक्शन ऑफ वीट हुई। इसका मतलब ये डाटा भी क्या है आपका, सेकेंडरी डाटा है। अब इसके बाद आते हैं रेनफॉल इन आवर सिटी। अब सिटी बहुत बड़ी बड़ी हो सकती है, अब लोकेलिटी का मतलब एरिया छोटा है, वहाँ इन्वेस्टिगेशन खुद की जा सकती है, लेकिन कंप्लीट सिटी में इन्वेस्टिगेशन खुद नहीं की जा सकती, उसके लिए टीम बनानी होगी। टीम अलग अलग क्या करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। तो जो टीम इन्वेस्टिगेट करती है वो उनके लिए प्राइमरी डाटा है, लेकिन सारी टीम जब इकट्ठा करके किसी पर्सन को डाटा देगी, किसी ऑर्गेनाइजेशन को डाटा देती है, वो ऑर्गेनाइजेशन उस एनालिसिस के बेस पे कुछ रिकॉर्ड बनाते हैं, तो उनके लिए क्या बन गया, वो सेकेंडरी डाटा। इट मीन्स ये क्या बन गया, सेकेंडरी। तो यही सिंपल आपकी एक्सरसाइज क्या थी, 14.2। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, सो प्लीज मेक अ नोट। अब हम स्टार्ट करने जाएंगे एक्सरसाइज 14.2। उसके लिए क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होगा, सो बी रेडी, प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हम सेकंड टॉपिक है, हम डेफिनेशन रीड करी डाटा की, स्टैटिस्टिक्स की। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की, कि जब आपको कोई डाटा मिल जाता है, आपने डाटा को इकट्ठा कर लिया, अब आपको क्या करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है। अब डाटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, उसके लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 14.2 का एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 से आपको ये बेसिक आइडिया हो जाएगा कि डाटा है उसको रिप्रेजेंट कैसे कैसे किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द बोर्ड, कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 10 स्टूडेंट्स इन मैथ्स टेस्ट। तो जो मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं 10 स्टूडेंट्स ने इन मैथमेटिक्स टेस्ट में, वो ये मार्क्स दिए गए हैं। तो जब इस टाइप का डाटा दिया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, रॉ डाटा। तो आप लिख सकते हो ये सब क्या है हमारे, इन सबको कहते हैं रॉ डाटा। समझाए कि रॉ,
जैसे आप कहते हो रॉ मटेरियल की बात करते हो, रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है? जैसे आपको कुछ बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए आपको ईंट चाहिए, ब्रिक चाहिए, सीमेंट चाहिए, ये सब चीज क्या है? रॉ मटेरियल है, जिसकी हेल्प से क्या बनता है आपका बिल्डिंग तैयार होती है। ऐसे ही ये सब चीज, डाटा जो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है, ये सब चीज क्या है? रॉ, क्योंकि इन्हीं चीज से क्या क्रिएट होगा आपका स्टेटिस्टिक्स, एक डाटा टेबल क्रिएट होगी। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि इसे क्यों रॉ डाटा कहा जाता है। तो अब जब आपको पता है, जब सीमेंट ब्रेक सब सबको ऐड करके बिल्डिंग बनाते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम डाटा को कुछ मैनिपुलेट करेंगे, तो वो चीज क्या बन जाएगी? हमारी डाटा अरेंजमेंट्स। तो सबसे पहले यदि कोई डाटा दिया जाता है, तो ट्राई टू डू अरेंज आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग अरे ऑर्डर। ये क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ डाटा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा सर, जब भी कभी डाटा दिया जाएगा, सबसे पहला स्टेप होता है अरेंज द डाटा। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, अरेंज द डाटा। और आपको पता है अरेंज कैसे करते हो? या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग। सपोज करो मैं असेंडिंग ऑर्डर में ले लेता हूं, सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप सबसे पहले स्मॉलेस्ट टर्म देखिए, इसमें स्मॉलेस्ट टर्म कौन सी है? आपको दिखाई दे रहा है 25। अब 25 के बाद नेचुरली सेकंड नंबर क्या दिखाई दे रहा है आपको? 36। 36 के बाद आपको दिखाई दे रहा है 42। 42 के बाद आपको आएगा 655। 55 के बाद 60। 60 के बाद 62। 62 के बाद 75। सॉरी 73। 73 के बाद 78, 75 और फिर 90। अब अरेंज करके चेक कर लीजिए, कोई मिसिंग तो नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब भी आप अरेंज करते हो असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तो कोई टर्म मिस ना हो जाए, इसलिए उसके नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट कर लो। यहाँ 10 स्टूडेंट्स थे, तो आपने अरेंज करके 10 ही मिलनी चाहिए, क्योंकि अरेंजमेंट से कोई टर्म मिसिंग नहीं होती। अब ये डाटा हमारे क्या हो गए? अरेंज। अब अरेंज करने के बाद हमारे से एक नई टर्म आती है, कई क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा। तो आपको रेंज फाइंड आउट करनी है, तो डेफिनेशन ऑफ रेंज क्या होती है, यहां देखिए ध्यान से। द डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू इन द डाटा इज कॉल्ड द रेंज। मतलब यदि आप डिफरेंस करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, हाईएस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हो लोवेस्ट वैल्यू से, तो जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी? आपकी रेंज होगी। तो जब आप रेंज फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले डाटा को अरेंज करना है, उसके बाद लोवेस्ट वैल्यू देखनी है। अब यहाँ पे आपको लोवेस्ट वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, सबसे जो लेफ्ट मोस्ट पार्ट होता है वो लोअर पार्ट ही होगा, तो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको 25। और जब हम हाइएस्ट वैल्यू की बात करते हैं, तो हाइएस्ट वैल्यू हमें क्या दिखाई दे रही है? 90। अब हमें डिफरेंस करना है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, तो अब रेंज का फॉर्मूला क्या बन गया? रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। अब दोनों वैल्यूज को पुट कर दीजिए, हाईएस्ट वैल्यू है 790 और लोवेस्ट वैल्यू है 25। यही वैल्यू है, सॉरी 90 नहीं है, आपके हाईएस्ट वैल्यू क्या है? सो यहां पर लिख दिया गया हाईएस्ट वैल्यू है 95। तो ये हो गया 95। सो 95 माइनस 25 कितना हो गया? 70। तो आपकी रेंज क्या है? 70। तो ये था सेकंड कॉन्सेप्ट, और इस टाइप को डाटा को हम कहते हैं वन डायमेंशनल डाटा। इस चीज को नोट कर लीजिए, वन डायमेंशनल डाटा, रॉ डाटा भी कह देते हैं इसको, और वन कॉलम। वन कॉलम क्यों? क्योंकि इस टाइप का डाटा या तो आपको एक सीरीज में दिया जाएगा, इसको एक सीरीज भी कह सकते हो, यस वेरी गुड, इसको एक सीरीज भी कह सकते हो, रॉ डाटा भी कह सकते हो, या वन कॉलम डाटा भी कह सकते हो। तो जो क्वेश्चनिंग आपकी आएगी वो इन टर्म्स ऑफ आएगी, आपको एक सीरीज दी जाए तो सीरीज को आप रॉ डाटा भी कह सकते हो, वन कॉलम। यदि आप हॉरिजॉन्टल ना रिप्रेजेंट करो तो उसको वर्टिकली रिप्रेजेंट करो, तो वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी डाटा आपको वन कॉलम में दिया जाता है, इसका मतलब आपके पास क्या है? एक सीरीज है। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट, दिस इज द रॉ डाटा रिप्रेजेंटेशन, प्लीज मेक अ नोट।
नाउ लुक एट द बोर्ड। अब सेकंड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा की बात करते हैं। जब डाटा आपका एक स्मॉल नंबर्स ना हो, एक लार्ज नंबर ऑफ डाटा हो, तो उन जब लार्ज नंबर ऑफ डाटा होते हैं तो उनको रिप्रेजेंट करना इन वन डायमेंशनल फॉर्म, उनको अरेंज करना वेरी डिफिकल्ट होता है। उस डिफिकल्ट टास्क को रिमूव करने के लिए डाटा को एक डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट किया जाता है, और दैट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, कि जो टर्म्स रिपीट होती है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ टर्म्स रिपीट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल नंबर 2 यूज कर रहा हूँ ऑफ द एक्सरसाइज 14.2 का, कहता है कंसीडर द मार्क्स आउट ऑफ 100, ये 100 में से आउट ऑफ मार्क्स है बाय द 30 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 9th के, तो ये मार्क्स दिए गए हैं, तो ये टोटल कितने 30 स्टूडेंट्स है। अब इन डाटा को यदि 30 को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, इसे हमें देखने में भी प्रॉब्लम होती है, और इस डाटा को यदि एनालिसिस करना चाहे, कुछ इससे मीनिंग निकालना चाहे, तो वेरी डिफिकल्ट हो जाता है। उस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए क्या मेथड है आपका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक होता है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है ग्रुप। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। अब ये अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इट्स वेरी इजी। आपको टर्म्स देखनी होती है या मार्क्स देखिए कि कौन कौन से मार्क्स स्टूडेंट्स के ऑब्टेन किए गए हैं, और जो मार्क्स रिपीट हो रहे हैं उसको रिपीट वाले टर्म्स को मत लिखिए। आई होप आपको समझ आया होगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहला मिनिमम मार्क्स कितने हैं, और फिर वो चेक करेंगे कि वो मार्क्स कितने और स्टूडेंट्स के हैं। तो यहाँ पे हम डाटा को एक कॉलम की बजाय दो कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे। एक कॉलम होगा मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स, सेकेंड कॉलम होगा नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। लुक एट द बोर्ड प्लीज। यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, तो पहला कॉलम में क्या लिखना है आपको, मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स। और याद रखिए, जो आपको डाटा दिया जाता है उसको मैथमेटिकली टर्म्स में एक सिंबल या अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, उस सिंबल को कहते हैं एक्स। तो कहीं भी आपका एक्स वर्ड आता है तो एक्स का मतलब कुछ और नहीं है, आपके डाटा की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे मार्क्स है, जो आपने मार्क्स को गेन करे, ये क्या आपके डाटा है, तो ये इसको आप जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हो, एक्स से। और इसके नीचे एक सबस्क्रिप्ट लगती है आई, आई को क्या कहते हैं सबस्क्रिप्ट। क्या इंडिकेट करता है ये, आई इंडिकेट करता है जो मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4। मतलब जब मैं यहाँ पे कुछ कॉलम में लिखता हूँ, फिल करता हूँ, सपोज करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूँ सीरियल नंबर की। जब भी आप कोई डाटा इकट्ठा करते हो तो नेचुरली आप सीरियल नंबर देते ही देते हो, जैसे आप रोल नंबर होता है 1, 2, 3, ऐसे सीरियल नंबर होता है। तो जब भी आप स्टैटिस्टिक्स में टेबल क्रिएट करोगे तो एक कॉलम हमेशा बनाना चाहिए आपको सीरियल नंबर का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ सीरियल नंबर 1 देता हूँ, यहाँ पे ये 1 इंडिकेट कर रहा है जो मार्क्स ऑब्टेंड हुआ वो फर्स्ट वाला मार्क्स क्या है, जैसे 20। मैं आपको बात करता हूँ कि मेरे मार्क्स 20 आए, तो ये 20 मार्क्स जो है ये मेरा फर्स्ट डाटा बन गया। तो इसका मतलब ये एक्स आई मतलब क्या बन गया, मेरा एक्स 1 बन गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स 1। ऐसे जब मेरा सेकंड सीरियल नंबर स्टार्ट होगा, इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, एक्स 2। ऐसे ही आप 2 लिख सकते हो एक्स एन। तो ये चीज आपको लिखने नहीं होती एग्जाम में, जस्ट एंट्री करनी होती है यहाँ पर वैल्यू। तो ये एक्स 1 एक्स 2 नहीं लिखना होता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्स 1 एक्स 2 कुछ और नहीं है, ये डाटा एंट्री ही है कि आपने फर्स्ट नंबर पे कौन सी डाटा एंट्री करी, सेकंड नंबर पे कौन सा डाटा एंटर करा, थर्ड नंबर पे कौन सा डाटा एंटर करा, ये आपकी नंबरिंग होती है। तो याद रखिए, इन सब को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स आई सिंबल से। क्योंकि हर जगह, चाहे आप 9th क्लास, 10th, 11th कहीं भी जाओगे, डाटा को एक्स आई से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल एक्स आई की जगह क्या हो जाता है, ये हमारा जनरली आप कह सकते हो वैसे तो एक्स आई ही लिखिए, कई जगह कैपिटल एक्स भी यूज कर सकते हो, कैपिटल एक्स आई। अब यहाँ पे ये है आपका मार्क्स ओपन बाय द स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, वो मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए। तो सेकंड कॉलम आप क्या बनाओगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
अब नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इसको कहते हैं कि वो मार्क्स कितने स्टूडेंट्स का रिपीट हुए, और रिपीटेशन को आपको साइंस के टर्म्स में क्या नाम देते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। तो हम नंबर ऑफ फोर टर्म्स को क्या नाम देते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे, एफ, और वही सेम स्टेप यहाँ पे भी क्या यूज करते हो, आई। एफ आई का मतलब क्या है, जो ये स्टूडेंट सीरियल नंबर 1 की बात कर रहे हैं, F1, F2, F3। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि 1, 2, 3 क्या होती है। अब आपको देखना है कि जैसे फर्स्ट नंबर है, अब इसमें से सर्च कर लीजिए सबसे मिनिमम नंबर क्या मिल रहा है आपको। फॉर एग्जाम्पल आपको मिनिमम नंबर इसमें से 10 मिल रहा है, तो आपने यहाँ 10 लिखा। अब 10 को देखिए कि 10 मार्क्स कितनी बार रिपीट हो रहा है, क्या यहाँ 10 है यहाँ पे, नहीं है। क्या यहाँ पे 10 है, नहीं। क्या यहाँ पे 10 है, नहीं। तो 10 एक ही बार आया, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्रीक्वेंसी। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। ऐसे ही 10 से बड़ा नंबर देखिए, 20 है, 20 हो तो रही है, यस। तो x2 क्या हो गया आपका, 20। क्या 20 कितनी बार आया, चेक करो ध्यान से, एक ही बार है। ऐसे आप इस टेबल को कंप्लीट कीजिए, सो डू इट योरसेल्फ, और प्लीज पॉज द वीडियो। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब जैसे मैंने कंप्लीट कर दी, आप चेक कर सकते हो अपनी वेरिफिकेशंस, सीरियल नंबर 1 टर्म्स से 10 है 1 स्टूडेंट्स के, सीरियल नंबर 2 20 मार्क्स एक ही स्टूडेंट्स के हैं, सीरियल नंबर 3 36 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 6। ऐसे ये टेबल है, ऐसे यहाँ 7 तक है, इसके बाद कंप्लीट रहते हैं 8, 9, 12, 13। तो ये 74 स्टूडेंट्स के, 72, 1, 81, 88 ऐसे, और इन सबको ऐड कर दीजिए, FI को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करके कितना मिला आपको, 30। अब यहाँ याद रखिए, यहाँ पे हम सिंबल्स की बात करेंगे। जब आपने इसको ऐड करा, आपको दिखाई दे रहा है ये ऐड, इस ऐड का सिंबल होता है जिसको हम कहते हैं समर। क्या कहते हैं इसको, समर, ऐसे इस सिंबल को कहते हैं सबमिशन। तो मैं लिख देता हूँ, इसको आप कुछ अलग अलग नाम से बुलाते हो, इसको सबमिशन भी बुलाते हैं, इसको एडर भी कह सकते हो आप, इसका नाम सिग्मा भी होता है, तो आप अलग अलग नाम से इसको बुला सकते हो। इसका मेन पर्पस क्या होता है, ऐड करना, सब टर्म्स को ऐड करना। जैसे हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे टर्म लिख दीजिए, कौन सी टर्म को ऐड कर रहे हो, FI, और यहाँ पे उसकी लोवेस्ट वैल्यू लिखी जाती है कि कहाँ से स्टार्ट करना है आपको। पहली टर्म्स यहाँ सीरियल नंबर क्या है, 1 है, तो आप 1 से स्टार्ट करना चाहते हो, और कहाँ तक की फ्रीक्वेंसी को ऐड करना चाहते हो, लास्ट में फ्रीक्वेंसी क्या है, 13, तो कहाँ तक लेना चाहते हो, 13। तो इस सिंबल को भी नोट करिए, क्योंकि जब भी हम ऐड करेंगे तो इस सिंबल का यूज करेंगे, सो प्लीज मेक अ नोट। तो ये अभी हमने क्या डिस्कस किया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन किसके लिए, क्या अनग्रुप। जब आपके डेटा रिपीट हो रहे हो, और रिपीट होने के बाद जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो टर्म्स इतनी ज्यादा नहीं है, कम भी नहीं है, और ज्यादा भी नहीं, मीन्स मीडियम टर्म्स है, 20, 30, 50, तो ये मीडियम टर्म्स में काउंट हो जाती है, तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। बट अब कंडीशन आती है कि डाटा यदि यहाँ से 20 स्टूडेंट्स थे, 30 स्टूडेंट्स थे, यदि डाटा 100 स्टूडेंट्स का होता तो ये टेबल तो इतनी बड़ी हो जाती, 13 थे, 14, 15 करते, ऐसे तो हमारी 3 पेज तो इस टेबल में फिल हो जाती। तो कोई ना कोई एक ऐसा मेथड डेवलप करना चाहिए कि जो इस टेबल को रिड्यूस कर सके, और एनालिसिस को सॉल्व करना काफी इजी होता है, क्योंकि एक टाइम पर यदि आप फोकस करोगे, इतनी बड़ी टेबल को देखोगे, तो आप एनालिसिस नहीं कर सकते। यदि इस टेबल का मैं साइज रिड्यूस कर दूं, तो आप एनालिसिस करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन टर्म्स में से निकाल सकते हो। यही क्या है हमारी ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, क्यों, क्योंकि हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन करनी है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो इसके लिए हमने एक नया मेथड सोचा, तो वो नया मेथड क्या है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे हम इंडिविजुअल मार्क्स काउंट नहीं करेंगे, कि जैसे यहाँ पे 10 था, 20, 36, 40, 50। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 50 भी है, 56 भी है, और 60 भी है। अब तीन डाटा यूज हो रहे हैं, क्यों ना इसको एक ग्रुप बना दिया जाए, 50 से लेकर 60 तक का। तो यहाँ तीन का साइज रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा। ऐसे हमने क्या करा, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल के साइज को रिड्यूस करने के लिए फ्रीक्वेंसीज का क्या करा, ग्रुपिंग स्टार्ट की, तो उसको नाम दे दिया गया ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
आई होप आपको समझ आएगा। इसके लिए मैं एग्जांपल थर्ड कंसीडर कर रहा हूँ फॉर द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप हेडिंग बनाइए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नाउ लुक एट द बोर्ड प्लीज। अब मैं एग्जांपल नंबर 3 दे रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 3 में क्या कहता है, ध्यान से रीड करिएगा। 100 प्लांट्स वर प्लांटेड इन द स्कूल्स। मतलब हमारे पास एक डाटा दिया गया है कि नंबर ऑफ प्लांट्स जो थे, 100 प्लांट्स मान के चलिए या नंबर ऑफ प्लांट्स है, वो कितने प्लांट्स कितने स्कूल में प्लांट किए गए, मतलब लगाए गए। आपको क्या है, प्लांट किए गए और आपको प्लांट को अलग अलग स्कूल में लगाने हैं। अब उसमें से कि कितने प्लांट्स कितने स्कूल्स में लगाए गए उसका हमें डाटा दिया। तो आपके पास 100 क्या थे, स्कूल्स थे जिनमें नंबर ऑफ प्लांट्स लगाए गए। तो ये डाटा कुछ इस टाइप से था, 95.67। ऐसे डाटा जो थे वो 100 डाटा थे। अब मैं यह 100 डाटा लिखता तो आई होप कि पूरा बोर्ड क्या है, उस 100 डाटा में फिल हो जाता। तो इसलिए आप अपने एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज पेज नंबर कैसे कहूं मैं, पेज नंबर है आपका 242। तो 242 पेज पे देखोगे तो आपको 100 एंट्रीज मिलेगी ऑफ द मार्क्स फॉर प्लांट्स की। तो कहीं 95 प्लांट किए गए हैं, कहीं 67 है, ऐसे करके 36 प्लांट लगाए गए। अब आपका उसको एक डाटा इकट्ठा करना है। अब डाटा में क्या करेंगे, आप कहीं में 21 हो सकता है, कहीं में 22, कहीं में 23। अब यदि 20 के लिए अलग एक कॉलम बनाया जाए या रो बनाई जाए, 22 के लिए अलग 23 के लिए अलग, तो ये बहुत बड़ी टेबल बन जाएगी। इसको रिड्यूस करने के लिए हमने क्या बनाया, साइज क्लास इंटरवल। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले वही कॉलम बनाना है आपको सीरियल नंबर का, सेकंड कॉलम बनाना है नंबर ऑफ प्लांट्स। अब यहाँ नंबर ऑफ प्लांट्स की जो बात करेंगे वहां पे हम बात करेंगे क्लास इंटरवल की। अब हम यहाँ पे ग्रुपिंग डिसाइड करेंगे, और ग्रुपिंग बनाने के लिए सबसे पहले आप इसमें से वो चेक करो कि मिनिमम वैल्यू क्या है। अब मैं 100 डाटा को कलेक्ट करूंगा, आप अपनी बुक ओपन करिए और बुक में देखिए कि मिनिमम डाटा कहाँ से स्टार्ट होता है। यदि वहाँ 5-6 में आ जाता है तो आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो। यदि डाटा 11-12-13-15 की रेंज में आता है तो आप 10 से स्टार्ट कर सकते हो। यदि डाटा आपका 20 से ऊपर आ रहा है तो 20 से स्टार्ट कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि डाटा की मिनिमम वैल्यू क्या है। तो प्लीज एनालाइज करिए कि मिनिमम डाटा क्या है, तो उस डाटा के अकॉर्डिंग आप उसका ग्रुप बनाइए। मिनिमम डाटा यदि 25 है तो 20 से 30 बना लीजिए। और इंटरवल की बात करते हैं, जरूरी नहीं है आप 10 का इंटरवल बनाओ, 5 का बना लीजिए, डिपेंड करता है कि आपकी रेंज कितनी है। अब यहाँ हम मिनिमम वैल्यू आपकी 95 और 36 है, मतलब रेंज काफी ज्यादा है, तो मैं 5-5 का गैप बनाऊंगा तो बहुत ज्यादा बड़ी टेबल बनेगी। तो इस टेबल को कम करने के लिए 10-10 का गैप ले सकते हो आप। यदि दिखाई देती है आपकी वैल्यू और भी ज्यादा है तो आप 20-20 का गैप ले सकते हो, 30-30 का गैप ले सकते हो, 40-40 का गैप ले सकते हो। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं इंटरवल ले लेता हूँ 10 का, जहाँ मेरी जो मिनिमम वैल्यू दिखाई दे रही है मुझे ये 25 के आसपास ही दिखाई दे रही है, तो मैं इंटरवल स्टार्ट कर दूंगा 20 से 30, फिर अगला इंटरवल 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60। तो ये मेरा है क्लास नंबर ऑफ प्लांट्स का, मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ क्लास इंटरवल की। इसके बाद बात करते हैं टेलीमार्क्स की। ये तो टेलीमार्क्स तो आपने 8th क्लास में सीखा हुआ है कैसे करते हैं, कि कोई नंबर उस रेंज में आता है तो आप उसकी जगह क्या लगाते हो, एक लाइन लगाते हो। यदि फिर दोबारा आता है उस रेंज में तो आप एक लाइन और लगा देते हो, ऐसे ही 3 और ऐसे ही 4। और जब 5 आता है तो 5 के लिए क्या करते हो, आप इसको ऐसे कर देते हो, मिला देते हो। यही टेलीमार्क्स होता है ना, कि पहले आप एक लाइन लगाओगे, फिर सेकेंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, फिर फोर्थ लाइन। यदि नंबर उसी रेंज में एक और आता है फिर, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। फिर 6 आएगा, फिर अलग लाइन, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 भी आ गया, फिर एक रेंज। तो ये इंडिकेट होता है कि कितनी बार टर्म्स रिपीट हो रही है। यहाँ इंडिकेट क्या है, ये 5 हो गया और ये 5, तो 5+5 कितना हो गया, 10। ऐसे आप इसको क्या कहते हैं, टैली मार्क्स, या पहले से भी रीड कर चुके हो, आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं करके दिखा देता हूँ आपको, भी कुछ डाटा को मैं लिखूंगा भी और फिर रिप्रेजेंट भी करूंगा। फिर आता है नंबर ऑफ स्कूल्स, जो इनको काउंट कर दोगे आप 10 मार्क्स को तो वो टोटल नंबर आ जाएगा, वही आप यहाँ फिक्स कर देना। इतना समझाया। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा क्लास इंटरवल की, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो ग्रुपिंग करते हो। ग्रुपिंग में आप समझिए ध्यान से, हम बात करेंगे ग्रुप की।
जैसे मैं कहता हूं 10 से 20, 20 से 30, ऐसे आपका ग्रुप बन रहा है। तो यहां इसको हम क्या कहते हैं, इस ग्रुप को इसको कहते हैं क्लास इंटरवल। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये ग्रुप क्या बन गया हमारा, क्लास इंटरवल। हम इसको कहते हैं क्लास इंटरवल। और याद रखिए इस क्लास इंटरवल में दो चीज होती है, एक लेफ्ट साइड वाली वैल्यू, एक राइट साइड वाली वैल्यू। तो लेफ्ट वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट। ऐसे जो राइट वाली वैल्यू होती है इनको क्या कहते हैं, अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट। तो इस चीज में आपको दो चीज ध्यान रखनी है, जो लोअर क्लास लिमिट होती है वो काउंटेबल होती है। ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, जो ये लिमिट होती है ये क्या होती है, आपकी काउंटेबल होती है। काउंटेबल का मतलब क्या है, यदि यहाँ पे कोई वैल्यू 10 नंबर आ जाता है तो 10 नंबर क्या इस रेंज में आएगा या नहीं आएगा, यस बिल्कुल इंक्लूड है, क्योंकि जो 10 नंबर है वो इस रेंज में इंक्लूड होता है। इंक्लूड का मतलब क्या है, काउंटेबल होता है। तो आप इंक्लूड वर्ड भी यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर लेता हूँ इंक्लूड। तो यहाँ पे ये इंक्लूड होता है, लेकिन ये क्या होता है, एक्सक्लूड होता है, ये इंक्लूड नहीं होता। तो यहाँ नोट करिए, ये होता है एक्सक्लूड, और इसको क्या नाम दे दिया था मैं, अनकाउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे कुछ रेंज लेता हूँ, फिर मैं दोबारा से टेबल बनाऊंगा, पहले एक अपनी मर्जी से लेट करके टेबल बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये मैंने एक रेंज बनाई। और इसके लिए कुछ डाटा ले लेता हूँ, लेट 12, 36, 49, 13, 44, 32, 12, 10, 20, 30, 24। जैसे ये मैंने कुछ वैल्यूज दी, अब देखते हैं इसको कैसे फिल कैसे करते हैं। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन है, हमें आपको 100 वैल्यूज दी गई है, अब 100 वैल्यूज को कैसे फिल करना है, कैसे टैली मार्क्स करना है, उसको ध्यान से समझिए, फिर हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। सबसे पहला नंबर है आपका 12, अब देखिए ये 12 कहाँ पे आ रहा है, 10 और 20 के बीच में आ रहा है, यस। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक टैली मार्क्स लगा दोगे, एक। फिर नंबर है आपका 36, अब 36 कौन से इंटरवल में आ रहा है, यस 30 से 40, तो आप क्या लगा दोगे, यहाँ पे डैश लगा दोगे, मैं इसका एरो ऐड करके यहाँ लगा देता हूँ, ये डैश आ गया। फिर 49 कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है इस इंटरवल में, यहाँ पे आ गया। 13 इसमें रेंज में आ गया, एक लाइन और लगाई आपने। इसके बाद 44 इसी रेंज में आ रहा है, 32 इस रेंज में आ रहा है। उसके बाद 12 भी इसी रेंज में आएगा। इसके बाद 10, अब आ गया 10, आप ध्यान से रखिए 10 यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये 10 क्या होता है, इसमें इंक्लूड, ये 10 आ गया। इसके बाद आप नजर मारो 20, आप ध्यान से देखना 20 तो आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है और 20 यहाँ भी दिखाई दे रहा है, दोनों जगह 20 है। तो आप क्या इसकी एंट्री, जो 20 नंबर है इसकी एंट्री इसमें कॉलम में करेंगे, इस रो में, या इस रो में करेंगे, तो आपका आंसर किस में आएगा, सेकंड में। क्यों, क्योंकि जो अपर लिमिट होती है वो कभी भी काउंटेबल नहीं होती, मैंने लिखवाया ना यहाँ पे, अपर क्लास लिमिट एक्सक्लूड होती है, ये काउंट नहीं होती, तो लोअर क्लास लिमिट काउंट होती है। इसका मतलब ये 20 यहाँ पे काउंट नहीं होगा, ये 20 यहाँ पे काउंट होगा। तो 20 की बात आएगी तो ये कॉलम कौन से में आएगा, रो में, सेकंड में आएगा। ऐसे 30, अब 30 यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी आता है, लेकिन यहाँ पे काउंट होगा, यहाँ पे काउंट नहीं होगा, एक्सक्लूड है, तो ये यहाँ पे काउंट होगा। ऐसे ही 24 इस लिमिट में आ रहा है, तो 24 यहाँ हो गया। तो ये क्या बन गया, क्लास लिमिट टैली मार्क्स। अब इसको काउंट करके आपको यहाँ लिखना होता है नंबर ऑफ स्कूल्स। जैसे यहाँ पे क्या आ गया, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे एंट्री कितनी आ जाएगी इसकी, 4।
यहाँ पे एंट्री कितनी आ गई 2, यहाँ पे एंट्री 3 और यहाँ पे एंट्री कितनी आ गई। आई होप आपको सारी चीज समझ आई होगी। तो मैं अब जो चीज मुझे जरूरी है उसको मैं नोट करूंगा, बाकी चीज को रफ कर दूंगा, लेकिन आपको ये अपने पेयर नोटबुक में इसको प्रॉपर वे से नोट करना है। सो प्लीज मेक अ नोट एवरीथिंग, यहाँ पे एग्जैक्ट आप उसमें नोट कीजिए। नाउ लुक एट द बोर्ड प्लीज। अब अभी जो हमने रीड किया वो फ्रीक्वेंसी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको दो टाइप से क्लासिफिकेशन करते हैं, ध्यान दीजिए। जो हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसको दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं, एक होता है कॉन्टिन्यूस और एक होता है डिस्क्रीट। दो टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक कॉन्टिन्यूस और एक डिस्क्रीट। जो अभी तक हमने रीड किया वो क्या था हमारा कॉन्टिन्यूस, तो हम कॉन्टिन्यूस रीड कर चुके। कॉन्टिन्यूस में क्या था कि लोअर लिमिट होती है और अपर लिमिट, लोअर लिमिट काउंटेबल होती है और अपर लिमिट नॉट काउंटेबल। यदि आप इस लिमिट को हटाना चाहते हैं उसके लिए होता है हमारा डिस्क्रीट, इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होती है। जो एग्जाम्पल नंबर 3 में करा हुआ है, देखिए ध्यान से, लुक एट द बोर्ड। सीरियल नंबर ये दिया गया, नंबर ऑफ प्लांट्स। अब यहाँ पे हमने गैप को ही रिमूव कर दिया, गैप को क्या देखिए यहाँ पे कितना है 29 और यहाँ पे क्या है 30 है। अब यहाँ पे कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, इसका मतलब यहाँ पे 20 भी काउंट होगा और क्या होगा 29 भी काउंट होगा और उसके बाद 30 से 39। यहां तक समझाया? तो इसको कहते हैं क्या डिस्क्रीट, क्योंकि इसमें बीच में गैप आ गया 20 से 29 और फिर 29 से क्या स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन स्टार्ट कहां से हो रहा है 30 से स्टार्ट। इतना समझ आया? इसको कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और इस टाइप का हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए 20 से 29 में यहाँ पे 3 स्कूल्स है, ऐसे ही 30 से 39 में कितने स्कूल्स है यहाँ पे 10 और 4 14। ऐसे ही हमने ये टेबल क्रिएट करी अकॉर्डिंग टू डाटा, जो हमारे पास 100 डाटा थे उनको देखा और उनके अकॉर्डिंग का टैली मार्क्स करा और नंबर ऑफ स्कूल्स करके हमने अपना रिकॉर्ड तैयार करा। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो नेक्स्ट में जो हमारा स्टेप रहेगा वो रहेगा डिस्क्रीट, कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे किसमें, नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको रियल में वीडियो अच्छी लगी सो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। Thank you once again for watching my video from starting to the end. So this is the part 1, so please wait for the part 2. Thank you once again.